वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञान वर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मकर संक्रांति के दिन क्या करें और किन वस्तुओं का दान करें, यह आपके लिए लाभकारी होगा। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति के बारे में। मैं पंडित विजय मिश्रा। मकर संक्रांति का त्योहार हिंदुओं का प्रमुख त्योहार माना गया है। इस दिन पूरे भारत वर्ष में और पड़ोस के देशों में भी बड़ी धूमधाम के साथ मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन विशेष करके मकर संक्रांति के दिन खास करके स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा नदी या सरोवर या तीर्थ स्थल पे जाकर के गंगा स्नान करें तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। इस दिन दान पुण्य का कार्य करें तो यह बहुत ही अनंत पुण्य फल दायक होगा। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन क्या करें। मकर संक्रांति पर दान का बहुत बड़ा महत्व है। विशेषकर इस दिन तिल और गुड़ के वस्तुओं का दान करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। इस दिन खिचड़ी कंबल दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। अन्य वस्तुएं भी दान दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अपने राशि के अनुसार किन वस्तुओं का दान करने से इस लाभ की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मेष राशि वालों के लिए इस दिन मेष राशि के जातक गुड़ और मूंगफली दाने एवं तिल का दान करें तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातक इस दिन सफेद कपड़ा दही एवं तिल का दान करें तो यह आपके लिए अनंत पुण्य फल दायक होगा। मिथुन राशि वाले जातक, मिथुन राशि के जातक इस दिन मूंग दाल चावल एवं कंबल का दान करें तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। कर्क राशि के जातक इस दिन चावल चांदी एवं सफेद तिल का दान करें तो आपके लिए लाभकारी होगा। सिंह राशि के जातक इस दिन तांबा गेहूं एवं सोने के मोती का दान करें तो आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या राशि के जातक इस दिन खिचड़ी कम्बल एवं हरे कपड़े का दान कर दे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तुला राशि के जातक इस दिन सफेद डायमंड शक्कर एवं कम्बल का दान कर दे तो आपके लिए बहुत बड़ा यह पुण्य फल दायक होगा। वृश्चिक राशि के जातक इस दिन मूंगा लाल कपड़ा एवं तिल का दान करें तो आपके लिए यह बहुत ही लाभकारी होगा। धनु राशि के जातक, धनु राशि के जातक इस दिन पीला कपड़ा खड़ी हल्दी एवं सोने का और मोती का दान करें तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। मकर राशि के जातक इस दिन काला कंबल तेल एवं काली तिल का दान करें तो आपके लिए यह बहुत ही लाभकारी साबित होगा। कुंभ राशि के जातक मकर संक्रांति के दिन काला कपड़ा काली उड़द खिचड़ी एवं तिल का दान करें तो आपके लिए यह लाभकारी होगा। मीन राशि वाले जातक के लिए इस दिन रेशमी कपड़ा चने की दाल चावल एवं तिल का दान करें तो आपके लिए यह बहुत ही लाभकारी होगा। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्योहार माना गया है। यह पौष माह में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब यह पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन से ऋतु परिवर्तन होने लगता है। इस दिन स्नान और दान पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और खाने का खास महत्व होता है।
इस कारण इस पर्व को कई जगहों पर खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी त्योहार पर भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आम तौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो इस पर्व पर विशेष तरह की पूजा करें तो यह आसानी से इसमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मकर संक्रांति का व्रत इस बार 14 जनवरी 2021 को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का पुण्यकाल मुहूर्त होगा सुबह 8:03 से दोपहर 12:30 तक का समय यह पुण्यकाल का होगा और महापुण्यकाल का समय होगा सुबह 8:03 से सुबह 8:27 तक का समय यह महापुण्यकाल का होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।